बॉलीवुड के मशहूर विलेन में शुमार अमरीश पुरी को उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। केवल विलेन ही नहीं बल्कि वो हर किरदार में बखूबी घुल जाया करते थे। अमरीश पुरी ने बॉलीवुड में सिर्फ नेगेटिव किरदार नहीं किए बल्कि उन्होंने कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार भी किए हैं। क्या आप जानते हैं कि अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे ना कि विलेन? जी हाँ, अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे लेकिन किस्मत से विलेन बन गए। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं से इस प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वो बुरे आदमी का पर्याय बन गए। अमरीश पुरी जवानी के दिनों में हीरो बनने मुंबई पहुँचे। अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी पहले से फिल्मों में थे लेकिन निर्माताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं है। उससे अमरीश पुरी काफी निराश हो गए थे। नायक के रूप में अस्वीकार कर दिए जाने के बाद अमरीश पुरी ने थिएटर में अभिनय शुरू कर दिया और वहाँ खूब ख्याति पाई। इसके बाद 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। अमरीश पुरी ने फिल्मों में काफी देर से काम शुरू किया लेकिन एक थिएटर कलाकार के तौर पर वो खासी ख्याति पा चुके थे। हमने तभी से उनका स्टारडम देख लिया था और हमें पता चल गया था कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। सत्तर के दशक में अमरीश पुरी ने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश जैसी फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई। हम पांच, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। मिस्टर इंडिया में उनका किरदार मोगैम्बो बेहद मशहूर हुआ। फिल्म का संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों के जहन में बरकरार है।